आज हम नारियल की और मूंगफली की चटनी बनाएंगे। मूंगफली, नारियल कद्दूकस कर लो, और हरी मिर्ची और अदरक की चटनी बनाऊंगी, और साबूदाने के और आलू के पकोड़े बनाऊंगी। दिखाऊंगी मैं कैसा कैसा बनाऊंगी। अभी मैंने साबूदाना भिगो कर रख रखा है, ये देखो, कम से कम 3 से 4 घंटे या 2.5 घंटे भी भिगो लो आप इसको, साबूदाने को। तो साबूदाना जब अच्छे से मैश हो जाए ऐसा, जब साबूदाना अच्छे से जब होने लगे ना मैश, ऐसा दबा के देख लो सर, तो ये भीग जाएगा अच्छे से। और आलू उबाल लो। मैं आलू के और साबूदाने के पकोड़े बनाऊंगी आज, तो आपको दिखाऊंगी। और नारियल की चटनी, नारियल और मूंगफली की चटनी को बनाऊंगी, मूंगफली और उसमें अदरक भी डालूंगी। जो नारियल की चटनी बनाएंगे, नारियल और मूंगफली की चटनी बनाएंगे, उसके लिए हमें रोस्ट की हुई मूंगफली चाहिए। ये मूंगफली मैंने रोस्ट कर ली। अब इसका अच्छे से जो है छिलका उतार लूंगी। रोस्ट करने के बाद में सब ठंडी कर दो, तो इसका अच्छे से छिलका उतार दो। इसे बिल्कुल साफ कर लेंगे अच्छे से छिलका उतार कर। ये बिल्कुल साफ होगी, देखो मूंगफली ऐसा अच्छे से। अब इनको मैं इसमें से वो निकाल लूंगी। ये नारियल है और ये काजू है, कुछ काजू भी डालूंगी इसके अंदर। ये नारियल डालना मिक्सी में, ये काजू डाले, हरी मिर्च में इसमें डाल दी थी, और ये अदरक। किसी को अदरक अगर पसंद नहीं है तो वो मत डालो। अगर अदरक पसंद नहीं है तो मत डाल लो। और ये हो गया सेंधा नमक। ये सेंधा नमक हो गया, इसमें थोड़ा सा दूध डाल लो, मट्ठा डाल लो, दही डाल लो, जिसके जो अच्छा लगे वो डाल लो। मिक्सी में पीसते हैं अच्छे से, इसे पीस लो। ये हमने उबले हुए आलू लिए, सबसे पहले हम इन्हें मैश करेंगे। आलू को मैश करेंगे सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह। गरम है अभी, थोड़े हाथ से जल रहे, गरम गरम में, इस वजह से थोड़े हाथ जल रहे, मेशर नहीं है मेरे पास में। ये आलू मैश कर लिए। ये हो गया आलू मैश। अब इसके अंदर हरी मिर्च डाल ली, नमक स्वाद अनुसार, सेंधा नमक है, व्रत के लिए बना रहे हैं ना, तो सेंधा नमक है, नमक स्वाद अनुसार डाल लो। ये हो गया, इसमें मैंने साबूदाना मिला दिया था, तो ये इससे अच्छे से मैश करना, या तो मैशर हो आपके पास में, या फिर मेरी तरह गिलास से करो। मेरे पास मैशर नहीं है तो मैं गिलास से कर दिया, वो आपकी इच्छा है, जिसके पास जो वो उससे करो। जब ये इसमें अच्छे से मैश हो जाएगा, ये देखो
ये खूब अच्छे से मैश हो गया। अब इसके हम छोटे छोटे ऐसा करके पकोड़े बना लेंगे, छोटे छोटे। देखो ये हमने घी गरम कर लिया, घी अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें हम ऐसे ऐसे एक 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 करके, घी गरम हो ही गया अच्छे से, ये देखो जितना गरम हो जाए आराम से हाथ लगा के देख लो, ये हो गया गरम। अब इसमें आराम आराम से अच्छे से एक 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 करके पकौड़ा डाल देंगे। ऐसा ना इसलिए बड़ा बड़ा सीख इसलिए वो कर रहे कि अच्छे से सीख जाएंगे अंदर से, और जो गोल गोल रखेंगे तो बाहर से तो सीख जाएंगे अंदर से भी कम सीखेंगे, इसलिए इनको बढ़ा दिए अच्छे से। अब ये भुनने लग रही है अच्छे से, सेक लो इन्हें ब्राउन होने का, आराम आराम से सर, इनका पटने का भी थोड़ा सा ना डर लगता रहता है कि कभी फट जाए, क्योंकि साबुदाना ही है, आलू है, फट भी सकते हैं हल्का हल्का सा। तो फ्राई कर लो, a few moments later।
से देखो साबुदाने के कितने सुंदर सुंदर पकौड़ी बने, ऐसे बनेंगे ये। और साबुदाने के पकौड़े, आलू और साबुदाने के पकौड़े जरूर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या ये साबुदाने के और आलू के पकौड़े अगर आपको बनाने पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।